यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने का मकसद है रूस को हराना, लेकिन रूस बीते एक साल से युद्ध में अकेला डटा है। अब यूक्रेन के इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया है कि रूस अब भी इसी गति से दो साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है। दो साल तक अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को मदद देंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यूक्रेन की मदद के लिए उतर गई है। लीक इंफॉर्मेशन से पता चला है कि CIA यूक्रेन को रूस की लीडरशिप खत्म करने वाले टारगेट दे रही है। तो क्या युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की हत्या का प्लान बनाया जा रहा है? अगली रिपोर्ट के जरिए जानिए। जितने प्रतिबंध लगे रूस ने उससे ज्यादा बारूद बरसाया। यूक्रेन को जितने एडवांस हथियार दिए गए रूस ने उतने ही घातक प्रहार किए। अमेरिका के कई सहयोगी देश ये कह चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करते करते उनकी ये हालत हो चुकी है कि अब अपने भरोसे जंग लड़ने लायक हथियार भी नहीं बचे। बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच भी मदद को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं। जंग में अकेला अपने बूते डटा है रूस। अब यूक्रेन को और उसके सहयोगियों को परेशान करने वाली खबर मिली है। यूक्रेन इंटेलिजेंस विभाग को यह खबर मिली है कि रूस के पास अभी दो साल तक युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार हैं। अगर रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध बढ़ाए गए तब हथियार जल्दी खत्म हो सकते हैं। रूस के हथियारों का भंडार खाली नहीं हो रहा है और अमेरिका सहित यूक्रेन के बाकी मददकारों का धैर्य जवाब देने लगा है। तो क्या युद्ध खत्म कराने के लिए पुतिन की हत्या की प्लानिंग की जा रही है? इसकी आशंका बढ़ गई है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के यूक्रेन युद्ध में उतरने से। टाइम्स की खबर के मुताबिक CIA यूक्रेन की स्पेशल टीम को सैटेलाइट डेटा दे रही है। यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर CIA के सीधे संपर्क में है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर में 27 लोगों की टीम है। इस टीम को रूस के अहम ठिकानों की सटीक जानकारी दी जा रही है। ये टीम सैटेलाइट डेटा के हिसाब से टारगेट सेट करके रूस पर ड्रोन अटैक कर रही है। आशंका यह भी है कि अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल करके CIA पुतिन के मूवमेंट की जासूसी कर रही है। अमेरिकन मीडिया पहले से इस तरह के दावे करता रहा है कि पुतिन के करीबी ही उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसलिए इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि CIA यूक्रेन के थॉर ग्रुप का इस्तेमाल करके पुतिन पर अटैक करने का प्लान बना रही हो। युद्धकाल में किसी देश के लीडर की इच्छा शक्ति ही सेना का मनोबल बढ़ाने वाली होती है। पुतिन बार बार कह चुके हैं कि रूस या तो युद्ध जीतेगा या फिर सर्वनाश होगा। सर्वनाश की आशंका से अमेरिका भी सहमा है और इसीलिए ये आशंका है कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी यूक्रेन के स्पेशल ग्रुप के जरिए पुतिन की हत्या कराने का प्लान बना रही है। वैसे भी इन दिनों अमेरिका और रूस के बीच जासूसों की जंग जारी है। पुतिन के कई करीबी रहस्यमय हालात में मारे जा चुके हैं और अमेरिका में भी आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं।
जासूसों की जंग CIA की तरफ से सैटेलाइट जासूसी और यूक्रेन के स्पेशल वॉर ग्रुप का CIA के साथ तालमेल, यही आशंका बढ़ा रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।